एकदम ओरिजिनल दिख रहा है एकदम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और मैं अभी फ़िलहाल मैजिक के पीछे वाले सीट में बैठा हूँ। पूरा भीड़ है इसलिए पीछे वाले सीट में बिठा दी मेरे को। अभी मैजिक से उतरकर हम थोड़ा पैदल जाकर यहाँ पहुँच गए। यहाँ ये मतलब खानापाड़ा कहते हैं, खानापाड़ा से 6 माइल जाना पड़ेगा सिटी बस से। इसलिए हम सिटी बस में उतर के आ गए। और ये अभी सिटी बस से उतर कर हम बैटरी रिक्शा पे चले गए। और ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए हम इस पे चल के उतरेंगे उधर। ये हम पहुंच गए जिसके लिए हम इतना दूर सफ़र करके आए हैं। और ये जो है इसका नाम है श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। और अभी हम टिकट काउंटर से टिकट काट के जाएंगे। हम आपको सब कुछ बता देंगे ये हम किस लिए आए हैं, कौन है श्रीमंत शंकरदेव। मिल गया फाइनली। ओके, श्रीमंत शंकरदेव ऐसा व्यक्ति थे जिसके कारण हम हमारे भगवान को पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए एक सही रास्ता हमें मिल गए। वो मतलब बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे असम के, वो असम के ही नहीं भारतवर्ष के महान व्यक्ति थे। और क्या होता है, वो एक ही भगवान को मानते थे और वो है विष्णु भगवान को मानते थे। और वो बलि विधान जो होता है वो एकदम ही मतलब पसंद नहीं करते थे किसी के लिए, मतलब बलि सराहना ऐसा कुछ वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए हमें वो वैष्णव धर्म हमें मतलब वो प्रदान किए, वो प्रसार किए। हम असम के सभी लोग, असमीश लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं। वो अपना जो गाना जिसको बरगीत कहते हैं वो खुद लिखकर खुद कंपोज करते थे। और बहुत कुछ हमें दिए दे के गए। इवन वो बरगीत में हम मतलब जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है वो भी खुद ही बनाता था। वो बरगीत में हमें चाहिए होता है ताल खुल वो सब कुछ वही मतलब इंस्ट्रूमेंट वही बनाते थे। वही कैसे मतलब कैसे बजाते हैं वही हमें, वो भी हमें सिखा के गए हैं। और नामघर बना के दिए थे। और नामघर एक ऐसा घर है जिसमें कोई मूर्ति या फोटो वगैरह नहीं रहते। हम एक ही भगवान को पूजा करते हैं नामघर में, जो विष्णु भगवान है उसको हम नामघर में पूजा करते हैं। और उसके अलावा वो नामघर में भावना भी प्ले किया करते थे। भावना मतलब ऐसा है एक ड्रामा की तरह, जो रामायण महाभारत मतलब भगवान के रिलेटेड जो कुछ सब कुछ मतलब ड्रामा की तरह वो नामघर में प्ले किया करते थे। और वो भावना अभी भी मतलब हम आसामीज लोग करते हैं। भावना मतलब दो भाषाओं में करते थे वो। पहले तो एक ही भाषा में करते थे, वो है अंकिया, ब्रजावली भाषा में ऐसे करते।
और तभी से ये रेड कलर का जो हम घर दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं रंग घर। वो शिवसागर जिला में है, एशिया महादेश का पहला स्पोर्ट्स हाउस है ये रंग घर। और ये जो आदमी ले रहे हैं, मतलब आदमी तो नहीं मूर्ति है ये हाथ में, इसका नाम है तोका बोलते हैं। ये आसाम का जो कृष्ट है बिहू में ये यूज करते हैं। और ये थोड़ा हम अंदर आ गए, मतलब अलग अलग जनजाति, मतलब वो ये बिहू का ड्रेस है। हाँ, सभी का इसमें मतलब मूर्ति बनाकर ड्रेस मतलब यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब सभी ट्राइब का ड्रेस, मणिपुरी, बोरो, मिसिंग, कार्बी, राभा, सभी का ड्रेस यहाँ पर सजाया हुआ। और ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसको बनाया बहुत से 100 सालों के पहले, 100 years ago इसके बनाया था, और ये अभी तक सेफ है मतलब अच्छे से। और ये हाथी जो बनाए हैं बेम्बो के, मतलब छोटे छोटे ऐसे, मतलब बेम्बो से ही बनाया ये फ्रेम जो है अंदर से, और बाहर से पूरा सा अच्छे से मतलब इसको फिनिशिंग दिए गए हैं। पूरा हाथी जो बेम्बो से ही बनाया है। और ये श्रीमंत शंकरदेव म्यूजियम, ये आप एक एक करके सब कुछ आपको दिखाऊंगा, प्लीज वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। यही है श्रीमंत शंकरदेव का फोटो, मतलब ये ओरिजिनल वाला, मतलब आर्ट किए किसी ने। और एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा, उसने जो जो चीज़ें हमें दिए गए थे, जो जो उनका जो क्रिएट किया था भावना से लेके पूरा वर्गीत और भावना में, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह और कपड़े वगैरह, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है खोल, मैंने तब बताया था ना, खोल है इसका नाम। और श्रीमंत शंकरदेव का जो पहला भावना, उसका नाम था सिंह जत्रा, उसी का कुछ मतलब फोटो आर्ट करके रह गया। ये ज्वेलरी है भावना में पहनने वाला, और ये हमें मैं दिखाऊंगा फ्रंट से अच्छे से दिखाऊंगा। और ये कुछ मार्क्स वगैरह है भावना में पहले पहनते थे ये, और ये गदा है, सब कुछ आप लोग तो जानते ही होंगे इसको, ये भी मतलब भावना में यूज़ करते थे। ये धनुष है, ये तीर है, और ये मुकुट बोलते हैं जिसको सर पे पहनते हैं राजा लोग, भगवान, ये सब कुछ। और ये है नामघर का कुछ चीज़ें यहाँ पे रखे हैं। इसमें कोई फोटो वगैरह नहीं रहते, मतलब एक ही रहते हैं, मतलब वो जो स्टेप जैसा दिख रहे हैं ना, वो सिंहासन बोलते हैं, मतलब वही भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं भगवान। और ये हमें, मैं फ्रंट से दिखा रहा हूँ, ये मतलब बकासुर बोलते हैं, बकासुर मतलब जो कृष्ण ने उसका वध किया था। और ये अघासुर, ये एक अजगर है, आप लोग तो जानते ही हैं, कृष्ण ने बकासुर अघासुर सबको मतलब मार दिया था। ये कुछ नामघर का दृश्य है, मतलब नामघर के अंदर भावना से पहले गायन बायन ऐसा एक जो होता है वो प्रदर्शन करते हैं। और ये जो लड़की क्लासिकल डांस प्रदर्शन कर रही है, और कुछ ये सब कॉस्ट्यूम का मतलब म्यूजियम है। सभी जनजातियों, असम के जितना ट्राइबल है सबका कॉस्ट्यूम यहाँ पे अच्छे से एकदम पूरा रखा है, जैसे एकदम 3D की तरह। और ये है ताताल, जिसमें गमसा, हमारा असम का गमसा मतलब यहाँ पे बनाते हैं। और ये है ये क्या चीज़ है देखो, तो ये आसामीज में पात पोलू ऐसे बोलते हैं। और ये हमारा दूल्हा और दुल्हन ऐसे ये कॉस्ट्यूम पहनते हैं, दूल्हा और दुल्हन, दोरा कोयना ऐसे बोलते हैं। और ये है बागुरुंगा, बोरो जनजाति, बोरो ट्राइब का होता है,
डांस और कॉस्ट्यूम, ये है, ये झुमुर बोलते हैं, माने टी गार्डन का जो लोग होते, और ये हमारा प्यारा सा बिहू, बिहू ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के, बिहू तो फेमस है भारत में, सब लोग जानते ही होंगे, और कुछ ऐसा ऐसे बना के रखा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है देख के। और इनका नाम है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ये हमारा असम का जो जातीय संगीत, असम इसमें जातीय संगीत बोलते हैं, ये इसने मतलब लिखा था। और ये है हमारा असम का कारें घर, जिसमें 7 फ्लोर होता है, और ये राजा महाराजा ने बनाए थे, और ये मैं पहाड़ के ऊपर आ गया है। ये पूरा एरिया बहुत सा बड़ा है, मतलब एक दिन लगेंगे पूरा देखने कंप्लीट करने के, दिख कर कंप्लीट होने पर। और यहाँ एकदम पहाड़ों के एकदम ऊपर भी है नामघर बना के, यहाँ बनाया हुआ है, और ये नामघर कुछ ऐसा दिखता है, देखो आप लोग। और ये हम आ गया है अभी भारत का पहला मतलब लॉन्गेस्ट एरियल ट्रेन है, भारत का एकदम पहला वाला लॉन्गेस्ट, यहाँ गुवाहाटी में, इधर मतलब श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में यहाँ बनाए गए थे। और यहाँ ये अभी थोड़ा रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा, और ये देखो, ये मतलब हमारे आसाम में फेमस थे, इसको बफेलो फाइट कहते हैं। अभी तो सरकार ने ये यहाँ मतलब ये बंद कर दिया, ये सब कुछ देखना हो गया। अभी जा रहा हूँ फिलहाल मतलब हॉस्टल के लिए, भूख भी लग रहा है, ब्रेकफास्ट किया सुबह ही, और अभी तक कुछ भी नहीं खाया है ना अजीत। आज मेरे साथ रहे हैं अजीत मेरा फ्रेंड, और हीरामणि आया है, हाय बोल तो। ओके, कैसा लगा आप अजीत, कितने बार रहे हो यहाँ? बहुत ही अच्छे, एक कलाकार के आने के आप कितने बार, पहली बार हो ना? दो नंबर हो गया, दो नंबर। ओके, हीरामणि का कितना बार हुआ अभी तक? पहली बार। और अभी हम जा रहे हॉस्टल के लिए, हम देख लिए, मतलब बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आए देखने के लिए, और सबको दिवाली की शुभकामनाएं अभी आपको दे रहा हूँ आप लोगों सभी को। आप लोग खुश रहिए और दिवाली मनाइए, और आज ही मैं मतलब अभी ख़त्म कर रहा हूँ ये वीडियो, तो बाय बाय।